हेलो दोस्तों, हमारे चैनल जस्ट शोबिज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लेकर आए हैं एक्सक्लूसिव इंटरव्यू विद इंडियन टेलीविजन एक्टर हर्ष राजपूत, जो फिलहाल कलर्स टीवी पर आने वाले शो पिशाचनी में एज अ मेल लीड नजर आने वाले हैं। तो आइए सुने हर्ष के साथ हुई पूरी बातचीत। यस, आदमी के बारे क्या कहोगे आप? वेल, पिशाचनी एक सुपरनैचुरल फैमिली एंटरटेनर है और बहुत ही इंट्रीगिंग स्टोरी लाइनअप है, बहुत ही अमेजिंग कैरेक्टर्स हैं। आपको एक अच्छा, एक थ्रिलिंग शो देखने को मिलेगा 8 अगस्त। तो बेसिकली यू सीम टू लाइक दिस जॉनर, लाइक आपने पहले भी सुपरनैचुरल पहले किए, तो सुपरनैचुरल जॉनर पर्सनली आपका क्या राय है? वेल, पर्सनली मेरा ये मानना है कि इस जॉनर में कहीं ना आपको बहुत सारी चीज़ें करने को मिलती है। एक्शन करते हैं आप, उसके साथ साथ इमोशनल, रोमांस, ड्रामा, तो हर एक चीज़ का कंपाइलेशन एक आपको इस जॉनर में कहीं ना कहीं मिल जाता है और इसी वजह से मेरे लिए ये काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाता है एज एन एक्टर। एक आपको इतनी सारी चीज़ें करने को मिले और क्या चाहिए आप? बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा है मृणाल जी, दिस इज़ माई थर्ड शो विथ हर ना जी, जो वो और ये शो तो वो खुद प्रोड्यूस भी कर रही है, तो मैं तो मानता हूँ मैं उनका फेवरेट हूँ। और इट्स ऑलवेज एन हमेशा एक ईज हो जाती है जब आप एक प्रोड्यूसर और एक राइटर का क्या बोलते हैं उसे, एक आप हमारी केमिस्ट्री उस तरीके से बिल्ट हुई है कि मैं उन्हें क्या चाहिए वो मैं जानता हूँ, तो वो बहुत आसान हो जाता है काम करने के लिए। एंड प्लस मीन्स जब हम कोई सुपर नेचुरल शो करते हैं जी, एज एन आर्टिस्ट यू हैव टू डिसबिलीव मेंटली, तो जब आपने पहला किया तब हमें डिफिकल्ट वाज इट फॉर यू टू कम स्विच ऑफ द डिस्बिलीफ? करेक्ट। देखिए क्या है, आई थिंक ये सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट जॉनर है जी, क्योंकि यहाँ जो चीज़ें होती है वो शायद आपके रियल लाइफ में नहीं होती, तो वो बिलीव खुद से करवाना और उसे कन्विक्शन के साथ पेश करना ताकि ऑडियंस माने उसे, वो बड़ा ही हार्ड हो जाता है। पर कहीं ना कहीं एज एन एक्टर ये हमारा काम है, ये हमारा धर्म है कि आप उसे अच्छी तरीके से पेश करें और उतना बिलीवेबली पेश करें कि सामने वाला उसे माने। एंड आई थिंक जो आप कैरेक्टर फॉर स्मार्ट, अपने को ज्यादा स्मार्ट समझता है। यस यस, रॉकी इतना स्मार्ट है नहीं, पर अपने को स्मार्ट समझता है। यस, खेलने में कितना मज़ा आ रहा है? बहुत मज़ा आ रहा है, क्योंकि ऐसा कुछ मैंने पहले कभी नहीं किया है जी। एक साथ इस बार मैं जब भी सेट पे जाता हूँ तो मुझे स्टंट्स या एक्शन करने की थ्रिल से ज़्यादा मुझे मेरे सीन्स परफॉर्म करने के थ्रिल में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है जी। ये ऐसी चीज़ है कि ये ऐसा बंदा है जो हाजिर जवाब है, इसके पास हर एक चीज़ का आंसर है, इसके पास तोड़ू है, मतलब ये कुछ भी तोड़ के इधर से इधर उधर से सर ये जोड़ देगा, ये कर देगा, तो मैं रियल लाइफ में ऐसा हूँ नहीं। इट गेट्स मोर चैलेंजिंग फॉर मी कि मुझे और ज़्यादा मज़ा आ रहा है डूइंग प्लेइंग दिस कैरेक्टर। हाँ, तो नायरा बैनर्जी एंड जी के साथ काम करने में ऐसा मज़ा आ रहा है? दोनों बहुत ही अच्छे हैं। यूजुअली क्या होता है कि एक्टर्स के बीच में आइस ब्रेक करना होता है, हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं था, हमारे आइस पहले से ब्रेक हुए थे। हम जब पहली बार मिले शूट पर, हम चैनल के लिए कुछ डिजिटल शूट कर रहे थे, तो ऐसा लगा ही नहीं कि हम पहली बार काम कर रहे हैं या मिल रहे हैं। हम वी वेंट ऑफ फ्रॉम देयर, वी टुक ऑफ फ्रॉम देयर, और तब से दोनों बेहतरीन एक्ट्रेस तो है ही है, साथ में वंडरफुल ह्यूमन बींग्स हैं। ये सिर्फ शो अभी 10 बजे आ रहा है जी, कॉम्पिटिशन स्लॉट काफ़ी टफ है जी। तो लाइक एज एक्टर कितना थोड़ा चैलेंज है आपको कि यू हैव यू गाइस विल हैव टू रियली अप द बार? तो वो चैलेंज है कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से 10 बजे का जो स्लॉट है जी, वो इस जॉनर के लिए परफेक्ट स्लॉट है जी, क्योंकि जितनी भी ऑडियंस है 10 बजे तक तो घर पहुँच ही जाती है जी, और इस स्लॉट पे ये आना, आई थिंक ये आपको उतना हैवी फील नहीं करवाएगा, ये आपको एंटरटेन करेगा। सो आई फील दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट टाइमिंग्स फॉर दिस शो इज 10 PM। एंड आई थिंक जो आपका प्रीवियस सुपरनैचुरल कैरेक्टर था वो बहुत हार्ड था, आई गेस बहुत इमोशनल था, आई थिंक लाइटर है, तो दिस इज आल्सो अ गुड फॉर यू एज एन एक्टर कुछ अलग करने की कोशिश। ऑल्सो आई वॉन्ट टू एड कि इस बार मेरे पास कोई पावर्स नहीं है, मैं ह्यूमन हूँ,
तो ये वो एक खुद से एक चैलेंज हो गया कि आप इतने सुपरनेचुरल कैरेक्टर्स कर चुके हो और आपको अब इस बार ह्यूमन बनना है, तो बड़ा मजा आ रहा है. और यू नो आई प्रे कि ये और ज्यादा यू नो इसे लोग एक्सेप्ट करें जैसे मुझे मेरे प्रीवियस कैरेक्टर्स को किया. तो आगे चलती आप और कैसे किरदार निभाना चाहोगे? मैं हमेशा मैंने कहा है मुझे ना एक यूनिफॉर्म में कुछ तो करना है जी, मतलब इधर इट बी आर्मी मैन और पुलिस मैन. क्या है, मैं हूँ बड़ा छोटा सा, मैं वो पेटिट गाय, हाइट बॉडी नहीं है मेरे पास. तो बड़ा ही एक चैलेंज मुझे लेना पसंद है कि ऐसा कुछ कैरेक्टर करूँ जिसमें मैं आर्मी में रहूँ या पुलिस में रहूँ, एंड आई डू समथिंग अबाउट दैट. और वेब सीरीज के बारे में फॉर्मेट में क्या कहोगे आप? वेल इट्स अ वंडरफुल फॉर्मेट. मैंने पहले भी कहा है कि एज एन आर्टिस्ट आई हैव नॉट रिस्ट्रिक्टेड माई सेल्फ टू एनी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म. मुझे टीवी भी करना है, वेब भी करना है, फिल्म्स भी करनी है, हर एक प्लेटफॉर्म पर मुझे काम करना है. सो वेब इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी एक्सपेरिमेंटल एज वेल, और डेफिनेटली कुछ अच्छा आएगा तो मैं वेब भी करूँगा. तो मैं मीन्स अभी आपको टीवी में थोड़ा समय हो गया है, तो आप अपने को यहाँ कितना कम्फर्टेबल पाते हैं? समय ज़्यादा या कम की मैं बात अग्री नहीं करूँगा कहीं ना कहीं. आई थिंक पहले से ही मैं बहुत कंफर्टेबल था इस जगह पर. हर एक यू नो हर एक चीज़ के कुछ अलग स्ट्रगल्स होते हैं, कुछ अलग चैलेंजेस होते हैं, और वो ना हो तो फिर मज़ा क्या है. तो आई एम वेरी मच कंफर्टेबल विद ऑल द प्रोसेस एंड वॉट एवर हैपन्स हियर. ये मेरा घर है और मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा. एब्सोल्युटली. So wish you all the best for the show in the future. Thank you so much. So, दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपको एंटरटेनमेंट की दुनिया की ऐसी और भी खबरें मिलती रहें, तो हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल जस्ट शोबिज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलिए.